अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 3। ये लेसन नंबर 3 जो कन्वर्टिंग मेजरमेंट है, जिसमें डिस्टेंस, मास और कैपेसिटी को मेजर करेंगे डिफरेंट यूनिट्स में, बड़े और छोटों में। और ये वर्कबुक का पेज नंबर है 83। तो सबसे पहले जो है कन्वर्टिंग लेंथ से रिलेटेड वर्कशीट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर्स। तो हमने सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। इससे पहले आपको बताना चाहिए 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालें तो वो होती है 1/100 मीटर। इसी तरह 1 जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आगे हम सोल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह अगर हमें जो है 1 मीटर की वैल्यू देखें किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो 1/1000 किलोमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। तो 2 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, 2 मीटर है तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में। मीटर जो है किस में चला जाएगा, 100, 200 का होगा 200, ठीक है। इसी तरह ये जो है 0.63 मीटर को हमने सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो 0.63 × 100 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे मूव हो जाएगा, तो आ जाएगा 63.0 या 63 सेंटीमीटर। इसी तरह 8.3 मीटर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.3 × 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगे जाना है, 1 डिजिट यहाँ पे आगे, 1 और डिजिट आगे जाना है, तो उसके लिए हम 0 लगा देंगे, तो 830 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 12.9 है तो 12.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो 2 डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट 2 पॉइंट मूव हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12.1290.0। अगर 0 लिखें या ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं 1290 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम सीखेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर में, यानी कि मीटर में वैल्यू गिवन होगी तो हम उसको मीटर और सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो उसके लिए रूल क्या होता है, जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा होता है उसे हम उसे और जो एंड वाला डेसिमल के बाद वाला होता है उसे ब्रेक करके लिख देते हैं, तो आ जाएगा 4 मीटर प्लस 0.19 मीटर। अब आपने करना क्या है इसमें कि ये जो डेसिमल वाला हिस्सा है इसको आपने कन्वर्ट कर देना है सेंटीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 4 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0.19 × 100 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 मीटर प्लस 19 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे प्लस के साइन को इग्नोर करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 4 मीटर 19 सेंटीमीटर, यानी कि डेसिमल के बाद वाले हिस्से को हम 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में ले जाएंगे। इसी तरह बी पार्ट है 2.08 मीटर, तो 2 मीटर हो गया, इसमें 0.8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो 0.8 को करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.0 या 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर। इसी तरह 5.2 को इसमें 5 मीटर जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा है, सेंटीमीटर क्या है 0.2 है, इस 0.2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये 5 मीटर है 20 सेंटीमीटर, हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं मीटर और यानी कि सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। इसी तरह डी पार्ट है 1.09, तो 1 मीटर एक तो कन्फर्म हो गया, यानी डेसिमल से पहले वाला हिस्सा वो मीटर है, 0.9 जो है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव होंगे तो आ जाएगा 90, तो 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया इस वर्कशीट का। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेंटीमीटर से मीटर में आना सीखेंगे, हमें पता है 1 सेंटीमीटर जो है वो होता है 1/100 मीटर। तो हम क्या करेंगे, जो भी सेंटीमीटर वाली वैल्यू होगी, यानी कि जैसे ये है 4, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता है डेसिमल जो है राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट मूव हो जाता है, जहाँ पे ये देखें 4 में कहीं भी 0 नहीं है, इसका मतलब है एंड पे 0 है यहाँ पे, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है राइट टू लेफ्ट इस तरह मूव कर देगा, तो आ जाएगा हमारे पास 4 लिखा मैंने, अगर 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ पे, एक और मूव करना है, उसके लिए हम 0 लगाएंगे, इधर डेसिमल आ गया 0.04 मीटर। इसी तरह ये 52 सेंटीमीटर 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.52, यानी कि 52 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मीटर में चला जाएगा ये, तो 0.52 आंसर आ जाएगा।
इसी तरह ये जो है 9.1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 9 से इधर, यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो एक तो 1 लिखा, 9 लिखा, एक डिजिट यहाँ पे आ गया, एक और मूव करने के लिए 0 लगाएंगे तो 0.091 जो है हमारा मीटर जो है आंसर आ गया। इसी तरह 13.7 है तो इसका आंसर आएगा 0.137, क्योंकि 100 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 पॉइंट पीछे इधर मूव करके आ जाएगा। इसी तरह जो है इसका ई पार्ट है 4 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में लेके जाना है। तो इसमें क्या करना होता है, जिस तरह हम पहले ब्रेक करते थे इस पार्ट में मीटर को मीटर और सेंटीमीटर में, इस तरह जो है मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है तो हम इसे मीटर में लेके जाएंगे, यानी इसका रिवर्स करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 में किया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर वाला हिस्सा होगा इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पे, यानी कि 4 मीटर प्लस 60 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, यानी 0 0 से कैंसिल तो आ गया 4 मीटर, 4 मीटर आ गया, और इसकी आ गया प्लस 6 बाय 10 मीटर, तो यानी 4 मीटर प्लस 0.6 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 4.6 मीटर, तो इधर का आंसर आ गया 4.6 मीटर, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ भी कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.07 मीटर, ठीक है, क्योंकि 7 है तो 2 डिजिट पीछे आना डेसिमल, एक इधर एक और 0 लगाएंगे तो 3.07 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन दी ब्लैंक्स, अब किलोमीटर से मीटर में जाने वाले हैं। आपको पता है 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर जो है इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, 1000 करेंगे तो डेसिमल 3 पॉइंट, 1 पॉइंट इधर 5 के बाद 2 डिजिट आगे, यानी कि उसके लिए 2 0 लगा देंगे तो 500 मीटर हमारा आंसर है। इस तरह 7.14 है, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.14 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आ जाएगा 7140 मीटर, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये किलोमीटर में गिवन है तो हमने इसे मीटर और किलोमीटर में लेके जाना है। तो सी पार को मैं इसे सोल्व कर देता हूँ, 1 इसमें आ जाएगा किलोमीटर प्लस 0.002 किलोमीटर। अब ये जो डेसिमल वाला हिस्सा होगा जिस तरह हम पहले कन्वर्ट करते थे, इसे हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर एज इट इज आ गया, प्लस 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये किस में चला जाएगा, मीटर में। तो हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 202 मीटर, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर 202 मीटर, यानी कि हम डेसिमल का जो बाद वाला हिस्सा होगा उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। इस तरह इधर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50, यानी कि 6 किलोमीटर एंड 50 मीटर। इसके बाद है ई पार्ट 453 मीटर, मीटर से हमने जाना है अब किलोमीटर की तरफ, मीटर क्योंकि छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 बाय 1000 किलोमीटर, इट मीन जब भी मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो 453 डिवाइडेड बाय कर देंगे 1000 करेंगे तो 0.453 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह 0.9.009 है तो ये किलोमीटर में लेके जाएंगे तो 1000 पे इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि तो आ जाएगा 9.009, ठीक है। इसी तरह ये है 2 किलोमीटर एंड 193 मीटर, तो इसमें देखें 2 किलोमीटर हम लिख लेते हैं सेपरेट, ठीक है, प्लस 193 मीटर। अब हमने किलोमीटर में जाना है तो ये जो मीटर वाला पोर्शन है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, किलोमीटर में, वो किस तरह होगा, 2 किलोमीटर प्लस इसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 किलोमीटर प्लस 0.193 किलोमीटर, इधर भी किलोमीटर आएगा जब 1000 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.193 किलोमीटर, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2.193 किलोमीटर। इसके बाद जो है इसका एच पार्ट 3 किलोमीटर है 42 मीटर, यानी मीटर वाले हिस्से को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.042, वो 3 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर है 3.042 किलोमीटर जो है आंसर आ जाएगा। तो ये इसके साथ ही वर्कशीट नंबर 3A का पहला पेज जो है, पेज नंबर 83 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 84 है, वर्कशीट नंबर 3 का ये सेकंड पेज है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स। ये देखें हमें एक चीज़ गिवन होगी मीटर, जैसे ये गिवन है तो हमने इसे मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखें ये डेसिमल से पहले वाला हिस्सा जो क्या होता है, ये मीटर होता है, 2 मीटर
0.025 ने से हमने सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो 0. यानी कि 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये हमारे पास यानी कि सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो आ जाएगा ये 24 सेंटीमीटर। अगर आपने सिर्फ सेंटीमीटर लिखना है तो आप क्या करेंगे, 2.24 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा 224 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह ये देखें, इसमें अब सेंटीमीटर की मैंने हमने उसे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करना, तो सबसे पहले मैं 180 को सेंटीमीटर की जो है इसे मीटर में चेंज करूँगा, तो क्या करूँगा 180 डिवाइडेड बाय क्या कर दूँगा मैं इसे 100 पे। ठीक है, तो किस में चला जाएगा, ये मीटर में, डिवाइड करूँगा 0, 0 से कैंसिल, तो 18/10 रह गया, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8 मीटर। अब आपने इसे डेसिमल में मीटर और सेंटीमीटर में लिखना है, तो जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा क्या होता है 1 मीटर, 0. यानी कि अगर 0.8 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हमें मीटर और सेंटीमीटर गिवन है, हमने इसे मीटर में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 4.56 मीटर, क्योंकि हम जो ये जो सेंटीमीटर वाला हिस्सा इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.56, और 4 में ऐड करेंगे तो 4.56। इसी तरह आपने इसको सेंटीमीटर में लिखना है, यानी 4.56 या इन दोनों को, तो मैं इसे करूँगा क्या करूँ, 4.56 मल्टीप्लाई से कर देंगे 100 से, ये किस में चला जाएगा सेंटीमीटर में, तो आ गया 4.56 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बी पार्ट है अब आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, किलोमीटर हमें गिवन है, हमने इसे किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है, तो जो देखें डेसिमल से पहले वाला हिस्सा क्या होता है किलोमीटर, और डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा होगा 0.4 इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400, तो यानी कि 400 मीटर। इसी तरह अगर अपने मीटर में जाना है तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय आपके कर देंगे 1000, तो आ जाएगा 6400 मीटर्स। इसी तरह ये हमें किलोमीटर मीटर में गिवन, तो किलोमीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे 2059 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये किस में चला जाएगा किलोमीटर में, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जहाँ पे है तो 3 डिजिट पीछे चला जाएगा 2.059 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने इसे मीटर और किलोमीटर में लेके जाना, तो ये देखें 2 किलोमीटर और 0.059 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आ जाएगा 59 मीटर। ठीक है, तो इसके अलावा अब थर्ड जो इसका पार्ट है टेबल नंबर 2B जो है, तो 7 किलोमीटर और 8 मीटर की बना, तो हमें जो है मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे किलोमीटर वाला जो पोर्शन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और उसमें 8 मीटर यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आ जाएगा 7000। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 8, तो यानी कि 7008 मीटर जो हमारा आंसर आ गया। इस तरह का आपने इसको चेंज करना है किलोमीटर में, तो आ जाएगा 7.008 मीटर, यानी मीटर वाले इसे 1000 में डिवाइड करें 3 डिजिट जो है वो डेसिमल पीछे को आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.008, 7 में ऐड करेंगे तो 7.008 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन हो आर बिलो 0.9 मीटर इन हाइट कैन ट्रेवल फ्री ऑन ट्रेन एंड बस विद द फ्री पेइंग अडल्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसे चिल्ड्रन यानी ऐसे बच्चे जिनकी हाइट जो 0.9 मीटर है वो ट्रेन में और बसेस में फ्री जो है सफ़र कर सकते हैं किसी भी जो अपने बड़े के साथ जो कि पे कर रहा है टिकट, तो आपने क्या करना है एक्सप्रेस 0.9 मीटर इन सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 0.9 मीटर है इसे हमने किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में, हम क्या करेंगे 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये किस में चला जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द हेलिक्स ब्रिज इन सिंगापुर लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज, कोई भी पैदल चलने वाला सिंगापुर में ये ब्रिज है हेलिक्स ब्रिज उसका नाम है, इट इज़ 280 मीटर लॉन्ग एक्सप्रेस 280 मीटर इन किलोमीटर, यानी कि उसकी लेंथ बताई हुई है वो है 280 मीटर, हमने इसको चेंज करना है किलोमीटर में, हमें पता है मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमें 1000 पे डिवाइड करना पड़ता है, तो 280 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो किस में आ जाएगा ये किलोमीटर में, यानी कि हम लिख सकते हैं 280 डिवाइडेड बाय 100 फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 0, 0 से कैंसिल, तो आ गया 28 डिवाइडेड बाय 100, साथ क्या आ गया किलोमीटर, जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.28 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही वर्कशीट नंबर 3A जो है रिलेटेड टू लेंथ कन्वर्टिंग लेंथ जो है वो कंप्लीट होगी, और पेज नंबर 84 भी कंप्लीट होगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। जज़ाकअल्लाह।